गरीब इंसान के लिए एक लाठी है इस्लामिया हॉस्पिटल का हुकुम होगा तो एक 10 कट्ठा जगह है नॉर्थ रेंज में इस्लामिया हॉस्पिटल का, उसमें एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। तक हमारे जितने पेशेंट भर्ती हैं और जितना ट्रीटमेंट हो गया है 90% सासू साथी कार्ड में हुआ है, 10% जो अपना पैसा दे के अपने इलाज किया वो 10%, 90% सासू साथी। हम इसको चाहते हैं जो सासू साथी से ये हॉस्पिटल चले। आज फिरहाद हकीम और अमीरुद्दीन बॉबी की क़यादत में इस्लामी अस्पताल कामयाबी की नई नई दास्तान लिख रहा है। अस्पताल की नई शानदार इमारत बन गई है, तमाम तरह की बीमारियों का बेहतरीन डॉक्टर इलाज कर रहा है। अब इस्लामी अस्पताल का इतिहास में एक नई तारीख दर्ज हो गया है। अब इस्लामी अस्पताल में भी कैंसर का इलाज शुरू हो गया है। कोलकाता के मेयर और इस्लामी अस्पताल कमेटी के प्रेसिडेंट फिरहाद हकीम ने आज अस्पताल में नए कैंसर यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर फिरहाद हकीम ने कहा कि इस्लामिया अस्पताल का मकसद रंग व मज़हब की परवाह किए बगैर सिर्फ इंसान की खिदमत करना है, जिसके लिए हम लोग लगातार इस्लामिया अस्पताल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामिया अस्पताल कोलकाता के एकमात्र अस्पताल है जहाँ 90% मरीजों का इलाज साथी कार्ड पर किया जाता है। फिरहाद हकीम ने कहा कि अभी तो हम लोगों ने एक छोटे से कैंसर यूनिट की शुरुआत की है, जल्द ही हम लोग इस्लामिया कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा सपना इस्लामिया अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने का भी है। अल्लाह का साथ रहा तो हमारा ये सपना जल्द ही पूरा होगा। फिरहाद हकीम ने अमीरुद्दीन बॉबी की कामकाज के दिल खोलकर तारीफ़ करते हुए कहा कि अमीरुद्दीन बॉबी जिस तरह से अस्पताल में अपना वक्त दे रहा है और मेहनत कर रहा है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। इस मौके पर इस्लामी अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी और कोलकाता कॉरपोरेशन के MMIC अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि सिर्फ कैंसर के इलाज के लिए शहर के नॉर्थ रेंज इलाके में अस्पताल बनाया जाएगा। ये कैंसर अस्पताल 2024 में काम शुरू कर देगा। इसके साथ ही 7 पॉइंट पर जो छोटा सा इस्लामिया है उसे भी डेवलप कर 200 बेड वाला एडवांस अस्पताल बनाया जाएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी खबर। हमारे इस्लामिया हॉस्पिटल के सेक्रेटरी अमीरुद्दीन साहब, सुपरिंटेंडेंट अनवर जमाल साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट नदीमुल हक साहब MP, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरे एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्लामी हॉस्पिटल में सब हमारे मेम्बर आए खड़े हुए हैं, ये सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने स्टाफ, CEO जी सबका, जो एक डेडिकेशन से इंसान के खिदमत के लिए इस्लामिया हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है और कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे रेफरेंस से आते हैं वो सब बहुत खुश होकर यहाँ से जाते हैं। इस्लाम के नाम से हॉस्पिटल और वहाँ पर ज़्यादातर दूसरे सब रिलीजन के आदमी आते हैं, उनकी खिदमत होता है और ठीक होके अल्लाह के रहमत से वो घर जाते हैं। बहुत खुश है, हम लोग करीब 80 बेड अभी चला रहे हैं फेज वाइज। हमारे जेनेटिक मेडिसिन दिया जाता है यहाँ पर, हमारे 30% लेस में सब 707 रेट में सब ये इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस होता है और डायलिसिस होता है, केमो होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ शास्त्र भवन दे देगा तो हमारे कैंसर OT भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। कार्किनोस के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ, कार्किनोस के साथ, ये कार्किनोस बहुत बड़े बड़े कंपनी अराउंड द वर्ल्ड इनके स्पॉन्सर में यह है जो डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए काम करते हैं और डिटेक्शन एंड क्योर दोनों का काम करते हैं कैल्किनोस। इनसे 707 रेट में ये यहाँ पर काम करेंगे हमारे साथ
इसलिए अभी हम लोग 10 बेड देके शुरू किया और इसके बाद आस्ते आस्ते बढ़ेगा 7th फ्लोर में। और इसके बाद अगर ऊपर वाला का हुक्म होगा तो एक 10 कट्ठा जगह है नॉर्थ रेंज में इस्लामी हॉस्पिटल का, उसमें एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। कैंसर हॉस्पिटल मतलब जहाँ पर सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट होगा, रे होगा, केमो होगा। अभी भी हम लोग का यहाँ पर केमो है, पेट स्कैन होगा। पेट स्कैन तो हम लोग स्कैनिंग मशीन यहाँ भी बैठाएंगे हम लोग, वो देख लेते हैं हम लोग। कॉरपोरेशन में प्लान नहीं, हम लोग का रजिस्ट्रेशन का फ्री, क्योंकि ये तो खिदमत की जगह है, ये तो कमर्शियल जगह नहीं, इसलिए हम लोग सरकार को ये करेंगे जो IGR जो स्टैम्प ड्यूटी है वो वेव करके इसका हम लोग इसका आगे बढ़ेंगे। साथ ही टोटल है और उसके अलावा अगर कुछ आगे लगता है तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमारे मेंबर हैं जो अपने पैसे डोनेशन देते हैं, कोई ज़कात देता है, ज़कात के पैसा यहाँ पर जमा होता है, उससे हम लोग इसका जो खर्चा जो है सात सौ साथी रेट मैंने गवर्नमेंट का एक रेट है वो रेट में होगा। और वो रेट में अगर सात सौ साथी है तो सात सौ साथी कार्ड में होगा, नहीं है तो वो रेट देना पड़ेगा। करीब इंसान के लिए एक लाठी है इस्लामी हॉस्पिटल, जहाँ पर मिनिमम कॉस्ट और 90% 700 साथी कार्ड में यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और ये आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा। आपकी क्यादत में जो कमेटी चल रही है, इसमें इस्लामिया को नई जगह मिली है, नई बिल्डिंग मिली है, नई तरह के इलाज हो रहे हैं, और क्या सपना है इस कमेटी का इस्लामिया? सपना तो बहुत है मगर पूरा करने वाला अल्लाह ताला है। वो हमने सब डॉक्टर से एक अपील किया जो आप खिदमत के तौर से इस्लाम में जुड़े, हर कौम के, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर कौम के डॉक्टर अब जोड़िए यहाँ पर। हम लोग खिदमत करते हैं, खिदमत के मेंटेलिटी लेके, जैसे आप रामकृष्ण मिशन में खिदमत करते हैं, हम लोग ऐसे ही इंसान की खिदमत करना चाहते हैं। मिनिमम कॉस्ट तो उन लोग भी लेता है, हम लोग भी लेंगे, उससे थोड़ा कम लेंगे। तो साथी का जो रेट है गवर्नमेंट का वही रेट यहाँ पर रेट है। अब 700 साथी हो या जनरल हो, रेट वही है। गवर्नमेंट एक मिनिमम रेट देता है ना जिसमें अस्पताल चला सकते हैं, वो रेट है जनरल पब्लिक का। अगर किसी के पास नहीं है तो दूसरा दिन ही यहाँ पर बंदोबस्त है, उसको 700 साथी बना दिया जाएगा। 90% 700 साथी का, 10% अन्य हॉस्पिटल 700 साथी जो बुक थे, हमारे 10% হচ্ছে এমনি লোকের জন্য ক্যাশ, মানে যারা পেইড ট্রিটমেন্ট করবে, আর 700 সাথীর জন্য 90% তাই আমার যতনা পেশেন্ট ভর্তি হ্যাঁ আর যতনা ট্রিটমেন্ট হয়ে গিয়া 90% 700 সাথী কার্ড মে, 10% যে আপনা পয়সা দেকে আপনে ইলাজ কিয়া ও 10% 90% 700 সাথী। হাম ইসকো চাতে যে 700 সাথী সে ইয়ে হসপিটাল চলে, ক্যোকি আমারে চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি ইস হসপিটাল কে লিয়ে 4.25 কোটি রুপিয়া দিয়ে হ্যাঁ আর হমকো उन्होंने कहा जो आपके हॉस्पिटल को बढ़िया तरह चलाइए, खिदमत करने के लिए चलाइए। हमारे फ़र्ज़ बनता है जो पेशेंट जो आए वो जो भी रिलीजियन कास्ट का हो, जो भी क्रीड का हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पर इंसान के ट्रीटमेंट करना है, इंसान का ट्रीटमेंट करेंगे तब अल्लाह खुश होगा। जिस तरह से मेयर साहब का, हमारे सदर जो हैं फिराद हकीम साहब, शुरू से ये बोलते आए हैं कि डायलिसिस कैंसर इस तरह के रोग में लोग बर्बाद हो जाते हैं और उनका पैसा जो है, ज़्यादातर पैसा जो है वहाँ चला जाता है। इसी वजह से हमसे बोले थे कि किसी को कैंसर का हम लोगों का यहाँ इलाज करना है, तो कैंसर के इलाज करने के लिए हमें फ्यूचर में हमने सोचा, पहले मेरी बात हुई थी कारकिनोस से, यह एक एब्सोल्यूट हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे। जी जी, एब्सोल्यूट हॉस्पिटल बनाएंगे जो 10 कट्ठा में, वो नॉर्थ रेंज में। उसके बाद जो है, फिर उसके बाद प्लानिंग हुई, उनसे मेरी टाइप हुई, फिर फिराज साहब से हमने उनको बात कराया तो बोले क्यों नहीं, वो तो देर लगेगा, क्यों नहीं यहाँ इस्लामिया में हॉस्पिटल में जो है कारकिनोस के साथ में हम लोग टाइप करके यहाँ पर ही जो है कैंसर का हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद डिस्कशन होने के बाद एक पोजिशन में पहुँचे कि ये इलाज जो है 7th फ्लोर में 10 बेड से हम लोग इनिशियली चालू करते हैं, जैसे जैसे धीरे बढ़ेगा फिर उसके बाद इंशाल्लाह साल डेढ़ साल में हम लोग वहाँ बिल्डिंग बना लेंगे तो फिर वहाँ से कर जाएंगे परमानेंट। ये है कि कारकिनोस एक बाहरी कंपनी है तो लोगों के मन में एक खदशा आ सकता है कि इसके वजह से ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। और दूसरा सवाल ये है कि आप तो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसमें भी क्या कारकिनोस का कोलाब्रेशन है?
वहाँ पर भी रहेगा, ये आपके दिमाग में एक ये चीज़ आप उठा दीजिए, ये इस्लामिया हॉस्पिटल का है, टाइप हो रहा है कार्किनोस, टाइप का उनका डॉक्टर उनके पास रहेगा जो कैंसर में स्पेसिफिक कैंसर के लिए ही काम करते हैं, और उनसे इस्लामिया हॉस्पिटल डिसाइड करेगा कि कितना पैसा लेना है। कार्किनोस का कुछ नहीं है, कार्किनोस को हमने दिया है द पार्ट ऑफ चलाने के लिए 10 बेड। कार्किनोस ट्राई नहीं करेगा कितना पैसा लेना है कि वो पैसा ले रहा है, तो यहाँ कार्किनोस का कुछ नहीं है, इस्लामिया हॉस्पिटल का बैनर में हो रहा है, इस्लामिया हॉस्पिटल लिखा है, ये देख लीजिए पहले, उसके बाद नीचे लिखा है कोलैबोरेशन बाय कार्किनोस। तो ये कोई चीज़ अदारा हम लोग जोड़ते हैं या कोई स्पेसिफिक किसी में कोई काम कर रहा है तो उसको हम लोग जिम्मेदारी देंगे कि डॉक्टर कहाँ से लाएँ, केमो एक्सपर्ट जो हो उनसे हम लोग ले रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट वाला जो काम है, कैंसर का जो काम है, ये एक्सपर्ट का काम है, इसलिए कि एब्सोल्यूट ये हॉस्पिटल कैंसर का नहीं है। तो इसके वजह से हम लोग ने इनसे टाइप किया, जब हमारा वो 10 कट्ठा ज़मीन बन जाएगा तब उसमें हम लोग भी इनसे करेंगे, और वहाँ पर भी इस्लामिया के नाम से होगा, ये नहीं कि इनके नाम से होगा, मेन प्रॉपर्टी इस्लामिया के बैनर में ही ये कार्किनोस का काम चलेगा, लगेगा स्टार्ट होने में, उसके बाद 1 साल के अंदर में हम लोग उनको हैंड ओवर देने का बात है, 2024 में हम लोग हैंड ओवर देने के बात है, उनसे ऑलरेडी हम लोग एक MOU किए हैं, इसलिए ये उनको भी प्लानिंग करना होगा, कम से कम 10 करोड़ रुपया उनका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, हमारी ज़मीन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके जो मशीन है वो मशीन पहले से उनको मंगाना पड़ेगा, बाहर का मशीन है, जब तक उनसे हम MOU नहीं करेंगे तब तक वो मशीन नहीं ला पाएंगे। तो ये सारा काम ऑलरेडी फाइनलाइज में है, हो गया है, इंशाल्लाह जितना जल्दी हम लोग प्रोसेस करेंगे, अभी मीटिंग यहाँ ख़त्म होने के बाद यही मीटिंग कर रहे थे, इसको कितना जल्दी हम लोग प्लान सेंशन 2-3 महीना में करके काम स्टार्ट कर। मोदी भाई, कैंसर हॉस्पिटल के बारे में डिटेल थोड़ा बताए, कितने बेड का होगा, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? देखिए अभी वहाँ तो कोई डिटेल में नहीं बता सकता जब तक प्लान सेंशन नहीं होगा, इसलिए कि डॉक्टर के साथ बैठना है, सीमी बेसमेंट में ये बैठता है रे मशीन, और उसका दीवार जो है कम से कम 2 फीट का होता है सराउंडिंग, कि रे जो है बाहर नहीं निकले, किसी को डैमेज नहीं करे, इसके वजह से वो सारा प्लानिंग चल रहा है, इसी वजह से उनसे मेरी टाइप हुई है, MOU हुई है, ये एक कारण है कि वो बताएंगे कि हम प्लान में जब डालेंगे तो उनका क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से होगा।